केंद्रीय विश्वविद्यालय जाट पाली में नए उप कुलपति टंकेश्वर कुमार का आज केंद्रीय विश्वविद्यालय जाट पाली में पहुंचने पर स्वागत किया गया। स्वागत समारोह में मुख्य रूप से पूर्व शिक्षा मंत्री प्रोफेसर रामविलास शर्मा रहे तथा उनके साथ पाली गांव के सरपंच सुरेंद्र सिंह, गौरव शर्मा, विजय सिंह, नगरपालिका कार्यकारी चेयरमैन रमेश बोरा, कुलदीप शर्मा, अमित शर्मा, महिपाल यादव आदि उपस्थित रहे। पूर्व मंत्री प्रोफेसर रामलाल शर्मा ने कहा कि केंद्रीय विश्वविद्यालय जाट पाली में नए वीसी के रूप में आज टंकेश्वर कुमार जी आए हैं। हमें आशा है कि इस केंद्रीय विश्वविद्यालय को नए आयाम स्थापित करेंगे और आगे बढ़ाएंगे। ये जाट गांव की सरदारी आपको मैडम भगवान शंकर का सावन का महीना है। शंकर भगवान की जय, पार्वती माता की जय, टंकेश्वर प्रसाद जी की जय, टंकेश्वर शर्मा जी की जय, पूर्व शिक्षा मंत्री। आज मुझे बहुत हर्ष है कि डॉक्टर टंकेश्वर कुमार जैसे प्रतिभाशाली, राष्ट्रवादी विचार के धनी और अनुभवी आज हमारी विश्वविद्यालय में उन्होंने वाइस चांसलर के नाते ज्वाइन किए। हम सब लोगों ने उनका हार्दिक अभिनंदन किया। डॉक्टर रमेश कुहाड़ के मार्गदर्शन में ये विश्वविद्यालय, आप जब आए तो यहाँ इसकी कुछ दीवारें थी और उन्होंने बहुत मेहनत किया, उनको प्रणाम है। और प्रोफेसर टंकेश्वर कुमार का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। ये पाली बाबा जयराम दास की तपोभूमि और उनके साथ बहन जी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। अब हमारा काम स्वागत का है। अब आप आपस में अपने इजाज़त, बहुत बहुत धन्यवाद। वो डायलॉग कहना तीनों सुनाना नून, इनका मतलब व्यक्ति व्यक्ति जो अपने जाने वाली होते हैं, तो जब नई बहू आती है कोई बात कह नहीं हो, कड़वी बात मीठी बात, तो व्यक्ति के बारे से की जाती वो बात भी आती है। एमएलए चालना बन जाए तो कई चालना बड़ा बड़ा हमने यह बात सुनाई आवे नहीं, आवे तो जावे नहीं और जावे तो सुख पावे नहीं। और इनके जो किसान जो चेयरमैन बना रहे और दिन भाई देखो साहब ऊपर आराम आराम पकड़ लिए, साहब पकड़ लिए सुभाष निकला। अमित ये गिलास हटा ले रहा एक बार पर अंदर दर्द पूरा अंदर दर्द भाई और प्लेट लगा दो रही, हाँ फ्राई करो या चाय वो सारा कर दो, चाय वो सारा करवाओ, चाय भिजवा दो। रहे
Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.